दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को और आज हम डिस्कस करेंगे 10 जो हॉर्टिकल्चर के एमसीक्यूज हैं। और इस एमसीक्यूज को मैंने जो लिया है वो फ्रॉम एसआर कांतो, जो ऑब्जेक्टिव की बुक आती है उससे लिया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है कि द यूनिफॉर्म फ्लॉरिंग इन पाइनएप्पल कैन बी इंड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ। पहला ऑप्शन आपके पास है 100 ppm MH, सेकेंड बी ऑप्शन है 50 ppm GA3 एंड सी ऑप्शन है 25 ppm इथेफेन प्लस 22% यूरिया एंड फोर्थ ऑप्शन लीजिए 50 ppm paclobutrazol। तो इसको आप देखो, इसमें से जो आपका आंसर है वो है सी 25 ppm इथेफेन प्लस 2% यूरिया। अगर हम थोड़ी बहुत इसके बारे में डिस्कस करें, जैसे ये यूनिफॉर्म फ्लॉरिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इसको 2% यूरिया के साथ 25 ppm जो है आपका इथेफोन देते हैं, जिसको 2-chloroethyl फॉस्फोनिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सर को 50 ml पर प्लांट देते हैं एंड इसको अप्लाई करते हैं 16-17 months जो ओल्ड प्लांट होता है, ठीक है, उस पर अप्लाई करते हैं जब प्लांट्स में 39-42 लीव्स का स्टेज आ जाए, तो उस स्टेज पे इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि रूपा इज एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ। आपके पास ऑप्शन है चार, जैसे लीची, वॉलनट, पोमग्रेनेट एंड गोवा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका वॉलनट है। अगर हम वॉलनट को देखें तो वॉलनट होता है उसमें 4% जो होता है वाटर होता है एंड 15% जो प्रोटीन है, 65% जो है आपका फैट है एंड 14% जो है कार्बोहाइड्रेट है और 7% जो है 7% वो आपका डाइट्री फाइबर है। ठीक है, और 100 ग्राम जो आपका वॉलनट है उससे आप यू कैन गेट 2740 किलो जूल्स ऑफ द आपको एनर्जी मिलती है। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ मैंगो इज डेवलप्ड बाय क्लोनल सिलेक्शन एंड बियर्स फ्रूट रेगुलरली। आपके पास आंसर है ए निरंजन, बी मंजरी, सी दशहरी 51 एंड फोर्थ इज अर्का नील किरण। तो यहां से जो आपका आंसर है वो सी है, दशहरी 51 रेगुलर बियरिंग एंड हाई यील्डिंग वैरायटी है जो दशहरी की है और इसको जो डेवलप किया गया है थ्रू द क्लोनल वेरिएबिलिटी सिलेक्शन के द्वारा इसको डेवलप किया गया और इसकी जो एवरी ईयर जो है वियर करती है फ्रूट्स को और 38% जो हायर यील्ड देती है एज कम्पेयर टू द जो नॉर्मल दशहरी की वैरायटीज हैं। इसके पीछे जो एक रीजन है वो रीजन ये है कि इसका जो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव जो स्टेज है वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी वजह से क्या होता है कि ये रेगुलर बियरिंग है और इस वैरायटी को आप किसी भी रीजन में ग्रो कर सकते हो जिसकी वजह से आज इसकी बहुत काफी डिमांड है। फोर्थ क्वेश्चन है एक मैच द लिस्ट की तरह, जैसे उसमें एक तरफ वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, दूसरा इंसेक्ट पेस्ट है। आप देखोगे लिस्ट वन में तो चार क्रॉप्स दिए हुए हैं, कॉलीफ्लावर, चिली, ओकरा, पोटैटो और दूसरा जो लिस्ट टू है उसमें जो आपके पेस्ट दिए हुए हैं इंसेक्ट, जैसे थ्रिप्स, डायमंडब्लैक, मॉथ, कटुआ, सूट एंड फ्रूट पोरन और उसके बाद जो आपके चार आप जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं। इससे जो आपके जो आंसर है वो ए राइट है, जिसमें कि आपका कॉलीफ्लावर का डायमंडबैक मॉथ है, चिली का थ्रिप्स है, ओकरा का सूट एंड फ्रूट पोरन है एंड पोटैटो का कटुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स आर बोटेनिकली कॉल्ड एज हेस्पेरिडियम। यहाँ पर आपके चार ऑप्शन हैं, जैसे जैक फ्रूट है, ऑरेंज है, लीची है एंड एप्पल है। तो जो आपका राइट आंसर है वो है ऑरेंज। जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनको बोटेनिकली एक तरह से आप बेरी कह सकते हो और बेरी टाइप के फ्रूट होते हैं जिनको कॉल्ड हेस्पेरिडियम कहते हैं, जिसमें थिक एंड लेदरी रिंड विथ न्यूमरस जो है ऑयल ग्लैंड होते हैं। ठीक, एंड जो लार्ज पोर्शन होता है दैट इज कम्पोज ऑफ सेवरल वेज शेप्ड सेक्शन जो होते हैं उसमें होते हैं और इट इज अनलाइक टू द पोम फ्रूट्स
बिकॉज इट जो आपका हेस्पिरिडियम है जो बेरी है ये डेवलप होता है सुपीरियर ओवरी से. क्वेश्चन इज द ओलूर इज ए पॉलीएम्ब्रोनिक वैरायटी ऑफ विच फ्रूट. तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला आपका गोवा, सिट्रस, मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी. तो जो आपका यहाँ पर आंसर है वो है मैंगो. एक्चुअली पॉलीएम्ब्रोनिक है क्या, ये कैसी फिनोमेना है थ्रू विच आप दो या दो से अधिक जो इम्ब्रियो होते हैं वो एक ही एक से डेवलप होते हैं, सो दैट्स वाई दे आर द वेरी सिमिलर बट जेनेटिकली दे आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स. सेवंथ क्वेश्चन जो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेम वेजिटेबल. तो यहाँ पर आप हमारे सामने जो आंसर है वो है कैरेट है, स्वीट पोटैटो है, नोलखोल है एंड रेडिश है. सो द आंसर इज द नोलखोल. We will discuss about जो नोल खोल है उसको जर्मन टर्निप भी बोलते हैं. स्ट्राउट स्ट्राउट राउंड एक ट्यूबलेस वेजिटेबल है इन ब्रेसिका फैमिली. आपको पता होगा ब्रेसिका फैमिली एक लार्ज फैमिली है जिसमें कि आप कॉलीफ्लावर भी आपका आता है, केल भी है, कोल का ग्रीन है, कैबेज है आपका एंड बुर्स. एट क्वेश्चन है द एडिबल बनाना फ्रूट इज सीडलेस वाई. सो हमारे पास जो ऑप्शन है ये है इम्ब्रियो अबॉर्शन, एब्सेंस ऑफ ओब्यूल, वेजिटेटिव पार्थेनोकॉर्पी एंड डी इज द स्टिमुलेटेड पार्थेनोकॉर्पी. तो जो यहाँ मेरा ऑप्शन राइट है वो है सी वेजिटेटिव पार्थेनोकॉर्पी. यह एक जो पार्थेनोकॉर्पी है एक नेचुरल कह सकते हैं आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड फिनोमेना है थ्रू विच आपका जो बिना फर्टिलाइजेशन के ओब्यूल का जो भी फ्रूट फॉर्म हो जाता है जिसके वजह से आपका सीड फॉर्म नहीं होता है जबकि फ्रूट बन जाते हैं एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी. एग्जांपल और भी हम दे सकते हैं जैसे कि आपका वाटरमेलन देखा होगा आपने तो उसमें जो सीडलेस आजकल वाटरमेलन आते हैं सो दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पी. द नाइन्थ क्वेश्चन इज द रत्ना वैरायटी ऑफ मैंगो इज ए क्रास्ट. तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है नीलम दशहरी, दशहरी नीलम, नीलम अल्फांसो एंड नन ऑफ दिस. तो ये जो राइट आंसर है वो है नीलम अल्फांसो. इसका सबसे अच्छा जो याद करने का तरीका है रत्ना लास्ट में एन ए आता है तो एन फॉर नीलम ए फॉर अल्फांसो. तो जो इसके पेरेंट्स हैं नीलम एन और लास्ट में अल्फांसो तो आप जल्दी से इसको मेमोराइज कर सकते हो. रत्ना मतलब एन ए जो लास्ट में है वो आपके इसके पेरेंट्स है नीलम एंड अल्फांसो. एक रेगुलर बियर है और जो इसके टिश्यू होते हैं स्पॉन्ज फ्री होते हैं ठीक है. ये ऑरेंज कलर का दिखता है और इसका जो फ्लैश होता है वो फाइबर फ्री होता है और इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही एक्सलेंट होती है और मीडियम साइज का ये होता है. तो लास्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का क्वेश्चन है ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डैशियस प्लांट. और यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं वो है पीच, पोमग्रेनेट, पी एंड पॉइंटेड गार्ड. तो इसमें जो राइट आंसर है वो है पॉइंटेड गार्ड. And what is dioecious plant? So मैं यहाँ पर explain करूँगा. Dioecious plant एक ऐसे plant है जैसे जिनमें both जो कि male and female part जो होता है वो अलग अलग plants पे होता है. Suppose कीजिए कि दो plants हैं तो दोनों में flowering तो आएगी but जो male part होगा वो एक plant पे होगा और female part होगा वो दूसरे plant पे होगा ठीक है. ये just opposite है monoecious से. मोनोसिस में क्या होगा तो बोथ मेल एंड फीमेल जो होता है वो सेम प्लांट पे होता है ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द 10 क्वेश्चंस ऑफ द हॉर्टिकल्चर वी डिस्कस्ड हियर. आई ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट. ये इसको लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो. अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट भी कीजिए जिससे कि हमें फर्दर इम्प्रूव करने के चांस मिले और इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए जिससे कि उनके भी नॉलेज को इम्प्रूव किया जा सके. ऑल द बेस्ट.